दोस्तों द न्यूज़पीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। उत्तर प्रदेश चुनाव के आते हुए सबसे बड़ी बहस इस बात पर चल रही है कि किन किन समुदायों को कौन कौन से राजनीतिक दल लुभा पाएंगे। आज का सवाल है कि क्या बसपा सपा को जीतने के लिए ब्राह्मण सवर्णों को ज्यादा टिकट देकर लुभाना चाहिए या अति पिछड़े वर्गों को ज्यादा टिकट देकर अपनी ओर करना चाहिए। इसमें से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए सपा बसपा को बीजेपी को हराने के लिए। जहां प्रोफेसर दिलीप मंडल ने उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के वोट बैंक और टिकट वितरण का आंकलन करते हुए बोला कि अति पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त टिकट ना देने के कारण उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण 30% आबादी बीजेपी खेमे में चली जाती है, तो उन्हें पर्याप्त टिकट जरूर देनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट आरआर बेग का मानना है कि ब्राह्मण सवर्णों का ज्यादा प्रभाव रहता है चुनाव पर, वो भी हिंदुत्व की राजनीति से परेशान है। 2007 की जीत का सर्वजन समीकरण ही बसपा के लिए सबसे बेहतर है। तो आइए जानते हैं डिटेल में इन दोनों एक्सपर्ट्स ने क्या कहा। सबसे पहले विस्तार से देखते हैं प्रोफेसर दिलीप मंडल ने जो कहा है। यूपी में विधानसभा सीटें हैं 403, रिजर्व सीटें हैं 86, बची 317। पार्टियों की राजनीति देखिए, सपा और बीएसपी कुल ओपन सीट टिकट 317 हैं, तो मुसलमानों को आम तौर पर दी जाती है 90 से 100, बची 217, इनमें से सवर्णों के आम तौर पर दी जाती हैं 90 से 125। तो अब बची 9 से 100, इनमें यादव, कुर्मी, लोधी, कुशवाहा को मिली 50 से 70। अति पिछड़ों के लिए बची केवल 20 से 30, जिनकी आबादी कम से कम 30% है। दरअसल सपा बसपा जहां से उन्हें वोट नहीं आ रहा है, उन सवर्णों को लगभग 100 टिकट देंगी। अति पिछड़ों को देने के लिए इनके पास टिकट होता ही नहीं है। अब बीजेपी का गणित देखें तो वो भी 317 में सवर्णों को 125 टिकट ही देती है, लेकिन मुसलमानों को ना देने के कारण उसके पास लगभग 80 से 90 टिकट एक्स्ट्रा निकल आते हैं। यही टिकट अति पिछड़ों को वो दे रही है जहां 30% वोट है। सपा और बसपा अब चुन ले, तीन ही रास्ते हैं। सपा और बसपा जो कर रही वो करते रहें, अति पिछड़ों को बीजेपी खेमे में रहने दे, उम्मीद करें कि सवर्ण कभी उनके पास ज़रूर लौटेगा। मुसलमान वोट देगा ही ये मानकर उनके टिकट काटें, ये रास्ता यूपी में ओवैसी साहब को स्थापित करने का रास्ता है। ओवैसी साहब में कोई कांटे नहीं लगे हैं। सवर्णों को दिए जा रहे टिकट और इस तरह मिलने वाले वोट का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करें और अपने रणनीति को बदलें। सवर्णों को इतने टिकट ना दे दे के 30% अति पिछड़ों को देने के लिए कुछ बचे ही नहीं। बीएसपी ने 2007 और सपा ने 2012 के बाद से यूपी में कोई चुनाव नहीं जीता है। अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने में कोई बुराई नहीं है, कोई चीज़ तो है जो अटक गई है। पहचान नहीं करेंगे तो फिर हारेंगे। अति पिछड़ों को सपा और बसपा टिकट कम दे रही है, सवर्णों को 90 से 125 देने के बाद बचते ही नहीं हैं। उन्होंने अति पिछड़ों को धक्का मारकर बीजेपी खेमे में पहुंचा दिया है। जब सपा और बसपा मुकाबले में थी तब तक इनका खेल चल गया, अब नहीं चल पाएगा। इन ट्वीट को सुरक्षित रख लीजिए, मुझे खुशी होगी अगर मैं गलत साबित हुआ। अगर 100-125 सीट सवर्णों को देकर सपा या बसपा जीत जाती हैं तो बुरा क्या है, चुनाव है, जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब सुनते हैं, सुनिए सीधा सुप्रीम कोर्ट आरआर बेग से सीधा उन्होंने क्या कहा, बसपा की रणनीति पर उनकी राय क्या है। क्या बीएसपी सवर्णों को ज्यादा सीटें देकर यानी टिकट देकर अपना नुकसान करेगी, क्योंकि इससे जो अति पिछड़ा वर्ग है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनको टिकट नहीं मिल पाएगी। इसको समझने के लिए अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं कहूं तो इसका जवाब यही है कि बीएसपी को इससे नुकसान नहीं होगी। बीएसपी को इसलिए नुकसान नहीं होगी क्योंकि पहले तो जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं इनका तादाद उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम है, और इनके जो वोटर्स हैं
और जिस तरह से ये लोग वोट डालते हैं, हवा जिस तरफ है, यानी जो पार्टी जो कैंडिडेट जीतने जा रही है उनके तरफ ढल जाते हैं, और खास करके अति पिछड़ा वर्ग के बहुत ही कम लीडर जो फ्रंट लाइन पे हैं, जो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। इस तरफ सवर्णों का जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सवर्ण जो खास करके बीएसपी के बारे में अगर कहा जाए तो ब्राह्मण्स जो 2007 में जो समीकरण हुई थी, ब्राह्मण्स लोगों को सब ब्राह्मीण लोगों को सबसे ज्यादा वोट दी, जो टिकट दी गई थी, और उसमें कई सारे जो लीडर्स वहां से चुन के आए थे उनका मान सम्मान इज्जत सबका, यानी पूरा सुशासन का जो पीरियड था यूपी के इतिहास में जब से भारत स्वाधीन हुआ है सबसे अच्छा पीरियड माना जाता है। डेवलपमेंट जब उस टाइम पे 1.7 जीडीपी रेट था, उससे बढ़कर जब 2012 में शासनकाल समाप्त हुआ तो 7.5 समथिंग जीडीपी था, जो कि गुजरात के जीडीपी के बराबर था। तो ये जो चीज़ें था, हम अगर उसका तुलना करेंगे तो गुजरात जैसे स्टेट लगभग 3-4 यूपी के में घुस जाएंगे, यानी 4 गुजरात स्टेट बराबर यूपी का, यानी डेवलपमेंट मामले में उत्तर प्रदेश का जो शासनकाल था, जो यूपी मॉडल था, सबसे बेस्ट मॉडल था। हर मायने में 3,332 रोड का निर्माण हुआ, कई सारे यूनिवर्सिटी खड़ा किया, आप देखेंगे ताज एक्सप्रेस, इंटरनेशनल बुद्धि सर्किट, ऐसे ऐसे से फर्स्ट टाइम ऐसे ऐसे चीज जो डेवलपमेंट आप देखेंगे कि यूपी के इतिहास में यूपी के लोगों को मिल चुका है। तो ये भी मायने हैं कि जो सवर्णों को जो सीट देगा, जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, संसाधन संपन्न जो लोग हैं और न्यायप्रिय जो लोग हैं, वो लोग अगर आएंगे यूपी में, शांति किसको नहीं चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर किसको नहीं चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ टिकट सवर्णों को दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बढ़िया का प्रोटेक्शन ऑफ वोटर्स, बहुत सारी ऐसी चीज है जो बहुजन समाज के लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता, तो वहां के प्रोटेक्शन वोट्स भी बहुत मायने रखते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे बीएसपी को कुछ नुकसान होगी, बल्कि बीएसपी को फायदा होगी। क्या सवर्ण यानी ब्राह्मण हिंदुत्व को छोड़कर बीएसपी के तरफ आएंगे? क्योंकि अभी सूबे में बीएसपी की सरकार चल रही है, तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि जो सवर्ण जो कम्युनिटी के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उसमें न्यायप्रिय लोग नहीं हैं, जो शांति को पसंद नहीं करते हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। तो ऐसा है कि ये जो विकसित मानसिकता के जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनको हिंदुत्व से बहुत बड़ी जो उनके लिए सवाल है वो है उनका प्रतिनिधित्व की। अगर उनको सही मामले में प्रतिनिधित्व दी जाएगी, यानी टिकट्स दी जाएगी, तो जरूर इसके बारे में वो लोग सोचेंगे। जो पिछले 2007 से लेकर 2012 की जो सरकार थी, इसमें उनका वोट्स भी उन्होंने देकर बीएसपी को जीता कर बीएसपी का सरकार उत्तर प्रदेश में बनाए। जहां तक हिंदुत्व का सवाल है, हिंदुत्व के सवाल से, हिंदुत्व से समाज को और देश को कभी भी एक अच्छा सुशासन नहीं मिल सकता। हिंदुत्व से समाज का और देश का नुकसान होता है। आप देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, क्राइम रिपोर्ट देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का देखिए, यूपी सबसे आगे हैं। उत्तर प्रदेश को, खास करके सरकार को, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार ऐसे ऐसे टिप्पणी की है कि आप सुधरते, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये सारे चीजें ब्राह्मण समाज में भी ऐसे ऐसे जो महापुरुष पैदा हुए हैं, जो शस्त्र बुद्धि, जिन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था, बाल गंगाधर तिलक का जो बेटा था, वो बाबा साहब के वहां काम करता था उनके संगठन में, तो राजा राममोहन राय रिफॉर्मेशन मूवमेंट में भी रहे। और दूसरी बात है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बड़े ब्राह्मण लीडर उत्तर प्रदेश से आते थे, आज वो नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरा कोई ब्राह्मण चेहरा अगर है उत्तर प्रदेश में, वो है सतीश चंद्र मिश्रा जी। पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, और उन्होंने समीकरण में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था, जो सोशल समीकरण हुआ था। आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, उसमें आप देखिए 7% ठाकुरों को किस तरह से अच्छे अच्छे जगह पे वो लोग वेल प्लेस्ड हैं, मिनिस्ट्री लिख दीजिए, डीएम के पोस्ट में, शासन प्रशासन में उनका है। उनके मुकाबले ब्राह्मण का जो समाज के लोगों को अनदेखी की जा रही है। विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, एक ऐसे सैकड़ों इनकाउंटर हुए हैं, मारे गए हैं, आज भी कस्टडियल डेथ हुई है उनका।
बहुत ऐसे ये हैं जो न्यायप्रिय लोग हैं, समता स्वतंत्र न्याय, और पिछले जो सरकार में 2007 और 2012 की जो सरकार में उत्तर प्रदेश में बहन जी, माननीय बहन जी के नेतृत्व में जो सरकार चली थी, वो सारे सर्व समाज के लिए एक स्वर्णकाल में कहूंगा आजादी के बाद। शानदार विश्लेषण को जो शानदार एक्सपर्ट्स ने राय रखी है, काफी कुछ डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। काफी लोगों के डाउट थे कि क्या कैसा रणनीति रहेगी, क्या समीकरण रहेगा, तो उस पर एक काफी अच्छे एक्सपर्ट्स ओपिनियन है। तो आप इस एक्सपर्ट्स ओपिनियन को ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाखों लोगों तक जरूर लेके जाइए, साथ ही हमारे चैनल द न्यूज बीक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए, जैसे हम कोई पूर्ण वीडियो करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।